अस्सलाम वालेकुम। कोविड के बाद ये दूसरा बड़ा वाक्या सामने आया है जब एक मखसूस किस्म की बीमारी वो एयरपोर्ट्स के ऊपर चेक करके मुसाफरों में से जो मशकूक होता है उसको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है। पहले तो ये सख्तियाँ थी पाकिस्तान से सऊदी अरब या अमारात जाने वालों के लिए, लेकिन इस मरतबा ये उलट है और अरब रियासतों से जो लोग पाकिस्तान आ रहे हैं उनकी स्कैनिंग की जाती है और उनको फिर वो हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। तकरीबन अब तक 7 केस मंकी पॉक्स के वो रिकॉर्ड हो चुके हैं। ये एक नया वायरस है जो काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। WHO ने इसके ऊपर एमरजेंसी डिक्लेयर कर रखी है और अभी जो पाकिस्तान के अंदर मरीज़ आए हैं इनके बारे में बताया गया कि ये 7 मरीज़ ही सऊदी अरब और दुबई से पाकिस्तान आए थे। इनका जो वायरस की तस्दीक हुई ये मामूली नौयत की थी। हॉस्पिटल ले जाके इनका इलाज किया गया और तसल्ली हो जाने पे इनको घर जाने दिया गया। न सिर्फ कराची बल्कि इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट बल्कि पेशावर पे भी बड़ी सख्त चेकिंग की जाती है। जो भी फ़्लाइट अरब रियासतों से आ रही है ख़ास तौर पे उस फ़्लाइट को उसके मुसाफरों की हालत देखने के लिए थर्मल कैमरे लगा रखे हैं, स्कैनिंग की दूसरी किट्स और टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मुसाफरों के हाथ चेक किए जाते हैं। ये आम तौर पे बुखार और चेहरे और बाजुओं के ऊपर दाने नमूदार होने की सूरत में इस वायरस का माना जाता है कि ये किसी के अंदर होगी। लिहाजा अगर आप अरब रियासतों से पाकिस्तान आ रहे हैं और आपके जिस्म पे कोई दाने या इस तरह की कोई चीज़ है तो घबराइए नहीं, आपको मंकी पॉक्स के लिए टेस्ट किया जा सकता है। अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है तो इसका इलाज करवाने से तबीयत बेहतर हो जाती है। मंकी पॉक्स उस वक्त ख़तरनाक होता है जब इसका वक्त रहते इलाज ना करवाया जाए, और चूंकि अब सऊदी अरब और दीगर रियासतों से मुसाफिर आ रहे हैं तो उनकी स्कैनिंग करना, उनको देखना एक मामूल का काम है। लिहाजा कभी भी पैनिक ना होइएगा, क्योंकि कोविड के वक्त भी लोग इसी तरह से पैनिक हुए, उनको आइसोलेट किया गया, वो परेशान हो गए कि पता नहीं अब जाके कोई मार ना दे। ऐसा कुछ नहीं है। हम ये अपने उन मुसाफिरों के लिए वीडियो बना रहे हैं जो हालिया दिनों में सफ़र करेंगे और अगर खुदा ना खास्ता उन्हें किसी दिक्कत का सामना करना पड़े तो वो हौसले से रहें, वो इत्मीनान से रहें कि ये सारे निज़ाम आपकी सेहत सलामती के लिए हैं। और अभी चूंकि सऊदी अरब और दीगर अरब रियासतों से ये केसेस की तादाद सामने आ रही है तो इन रूट्स के ऊपर जो हिदायात हैं, जो निगरानी है वो सख्त ही रहेगी। और आने वाले दिनों में बताया गया है कि 121 ममालिक के अंदर ये मंकी पॉक्स फैल चुका है और ये अभी तक बहुत ज़्यादा जानलेवा तो नहीं है, क्योंकि 500 अफराद पिछले एक साल के अंदर 500 अफराद मंकी पॉक्स की वजह से वफात पा गए हैं, जो कि देखा जाए तो इतनी बड़ी तादाद नहीं है, क्योंकि इससे भी संगीन बीमारियां हैं जिनकी वजह से रोज़ाना की तादाद में सैकड़ों लोग फौत होते हैं। तो ये इतना ख़तरनाक नहीं है, लेकिन अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो ये ख़तरनाक हो भी सकता है। अगर आपकी आने वाले दिनों में कोई फ़्लाइट है तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा कि आप कब ट्रैवल कर रहे हैं, और अगर आपके जिस्म पे कुछ छोटे छोटे निशानात हैं तो उसका कोई दवाई लेके इलाज करके आइए, ताकि आपको यहाँ पे शक के ज़ुमरे में पाकिस्तान के अंदर रोका ना जाए।